नवाचाराला जे सतत समर्थन देता विविध प्रकारच्या कल्पनांना त्या पाठीशी उभे राहण्याचं काम जे सतत करतात आणि युवकांना एक प्रेरणा देण्याचं काम आदरणीय नितीनजी हे नेहमी करतात असे आदरणीय नितीनजी गडकरी आज आपल्याला समारोपाच्या कार्यक्रमाला लाभले। त्याचबरोबर मंचावर विराजमान आहेत आमदार नागो गाणार सर, आमदार मोहन मतेजी आणि फॉर्च्यून फाउंडेशनचे सचिव आदरणीय जयंत पाटील। माननीय नितीनजी, आम्ही मागच्या 9 दिवसापासून नवीन शिक्षा नीती ज्याला राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 असं संबोधण्यात आलं त्याच्या विविध पैलूंवर 9 दिवसांपासून चर्चा करू। या ठिकाणी आदरणीय विरोधी पक्ष नेते देवेंद्रजी फडणवीस यांनी 23 तारखेला या सगळ्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं। त्यांनी आपलं योग्य असं विश्लेषण विवेचन या राष्ट्रीय शिक्षा नीतीवर या ठिकाणी केलं। त्याच्यानंतर आम्ही या शिक्षा नीतीचे वेगवेगळे भाग केले, शालेय शिक्षण, नंतर शिक्षकांचा एक दृष्टिकोन, नंतर महाविद्यालयीन आणि विश्वविद्यालयाचं शिक्षण, नंतर समूह शिक्षण मल्टी डिसिप्लिनरी एज्युकेशन, त्याच्यानंतर व्यावसायिक शिक्षण, नंतर याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांची भागीदारी, या संपूर्ण याच्यानंतर या ठिकाणी क्रियान्वयनाची रणनीती म्हणजे याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं करायचं त्याची जी रणनीती आहे त्याच्यावर चर्चा झाली। आणि आज आपल्या मार्गदर्शनाने या ज्ञान यज्ञाचा शिक्षण मंथन या 9 दिवसीय चर्चा सत्राचा समारोप या ठिकाणी होतो। या ठिकाणी अनेक मान्यवर वक्त्यांनी आपलं आणि वक्तव्य या ठिकाणी केलेलं आहे आणि या शिक्षण नीतीच्या विविध पैलूंना जागर केलेलं आहे। याच्यामध्ये आपल्या नागपुरातील विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि शिक्षिका तशा माननीय अंजुताई तानी भारतीय विद्याभवनच्या प्रिन्सिपॉल, त्याचप्रमाणे आपल्या सौ दस्तुरे मृणाली दस्तुरे, त्याचप्रमाणे सौ स्मिताताई बोकारे यांनी शालेय शिक्षणावर मार्गदर्शन केलं। त्याचबरोबर शिक्षक एक दृष्टिकोन याच्यावर डॉक्टर मधुश्री सावजी यांनी औरंगाबादहून आणि माननीय आमदार नागो गाणार सर यांनी स्टुडिओतून मार्गदर्शन केलं। त्याचबरोबर आपल्या इथे विविध वक्त्यांनी आपापलं योगदान या संपूर्ण याच्यात दिलं। याच्यामध्ये महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या संदर्भात माननीय डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर कुलगुरू यांनी आपलं मार्गदर्शन केलं। त्याचप्रमाणे माननीय साठे सर यांनी मार्गदर्शन केलं, मराठे सर यांनी मार्गदर्शन केलं आणि क्रियान्वयनाच्या रणनीती विशेष करून आदरणीय अनिरुद्धजी देशपांडे यांनी विस्तृतपणे याचं क्रियान्वयन कसं करायचं आणि त्याच्यात कोणाकोणाची जबाबदारी कशी आहे याचं मार्गदर्शन केलं। नागपूर विद्यापीठाचे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू श्री चौधरी सर, आपल्या कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ रामटेकचे कुलगुरू श्रीनिवास वरखेडी सर, अशा अनेक मान्यवरांनी, धाराशिवचे आमचे कैलावे सर, अशा अनेक मान्यवरांनी याच्यात मार्गदर्शन केलं। विद्यार्थ्याच्या भागीदारीमध्ये प्रफुल्ल आकांतजी आणि मुकुल कानेटकरजी यांनी मार्गदर्शन। आदरणीय नितीनजी, रोज जवळपास 15,000 वर लोकांनी रोज हे फेसबुक लाईव्ह जे आहे याच्यातून फॉर्च्यून फाउंडेशनच्या या कार्यक्रमात आणि या शिक्षण मंथनामध्ये भाग घेतला। जवळपास 25,000 जवळपास लोकांनी रोज हे ऐकलं आणि याच्या विविध विषयांची फोड करण्याचं काम या ठिकाणी। या संपूर्ण शिक्षण नीतीचा उद्देश आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल, विश्वगुरु पदाकडे वाटचाल अशा पद्धतीचा असल्यामुळे आणि आत्मनिर्भर भारत हा जर करायचा असेल तर आपल्यासारख्या कल्पक, आपल्यासारख्या नवाचाराला समर्थन देणाऱ्या, नवीन नवीन प्रयोग करून यशस्वीपणे त्याला अस्तित्वात आणणाऱ्या अशा नेतृत्वाची निश्चितपणे मार्गदर्शनाची आम्हाला आवश्यकता आहे। त्याचबरोबर MSME सारखं पोर्टफोलिओ माननीय नितीनजींकडे आहे। मार्ग परिवहनाचं तर आहेच पण MSME म्हणजे कुठल्याही देशाचा GDP जर वाढवायचा असेल
तर एमएसएमईच्या आधारावर तो निश्चितपणे वाढतो आणि आपल्या देशातल्या युवकांना स्वयंरोजगाराच्या मार्गाने जर न्यायचं असेल जे या शिक्षण पद्धतीमध्ये अपेक्षित केलेलं आहे तर निश्चितपणे आदरणीय नितीनजींचं मार्गदर्शन आम्हाला अत्यंत मोलाचं राहणार आहे. आपण या ठिकाणी आलात आणि आम्हाला आता मार्गदर्शन करणार आहात त्याबद्दल मी फॉर्च्यून फाउंडेशनच्या वतीने आपलं आभार व्यक्त धन्यवाद. माननीय नितीनजींना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं उद्बोधन प्रारंभ करावं. आमदार अनिल सोले, आमदार मोहन मते, आमदार नागो गाणार और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे देश में विशेष रूप से नई शिक्षा नीति जो आई है इसके बारे में सभी स्तर पर उसकी स्वीकारार्हता के बारे में काफ़ी सकारात्मक रिस्पॉन्सेस अलग अलग सेक्टर से मिले हैं. हमारी शिक्षा जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि शिक्षा से हमें नॉलेज प्राप्त होता है, ज्ञान. और नॉलेज का अर्थ होता है, नॉलेज एक पावर है, शक्ति है. जैसे पावर के बारे में फिजिक्स में यह कहा है कि कोई भी पावर जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती. दैट पावर और एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट इनटू वन एनर्जी टू अनादर एनर्जी होती है. और इसलिए नॉलेज ये पावर जो है ये इसका कन्वर्शन हमें किस में करना है ये हमारे लिए सबसे प्रमुख एजेंडा है. मैं यही मानता हूँ कि नॉलेज एज ए पावर, इसमें सबसे पहली प्राथमिकता जो इस शिक्षा नीति की विशेषता है कि पहली बात हम किसे पढ़ाए, कौन पढ़ाए, क्या पढ़ाए और उसके बाद में किस व्यक्ति का निर्माण करना चाहते वो कैसा हो, ये हमारी संकल्पना क्या है. पहली बात तो ये कि स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, खाली पेट को कोई भी तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता. और हमारे देश में, हमारी देश को आने वाले समय में हम आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं. प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 5 साल में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे. अगर ये हमको बनाना है तो स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान में हमें नॉलेज इस पावर का उपयोग करके इस उद्दिष्ट को पूरा करने में हमें निश्चित रूप से ऐसी शिक्षा नीति चाहिए जो इस उद्दिष्ट को पूरा करेगी. प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद महाविद्यालयीन शिक्षा और उच्च शिक्षा, स्वाभाविक रूप से सबका अपना अपना महत्व है. पहला विषय जो महत्वपूर्ण है, जो हम सबका पहले से आग्रह रहा है कि हमारे देश में जिस पीढ़ी को हम भविष्य में निर्माण करना चाहते हैं वो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति के आधार पर हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत, इसके संपन्न अनुभव के साथ प्रेरणा लेकर उसी लाइन में आगे उसी प्रकार की बने. और इसलिए मूल्य जो होते हैं, जीवन मूल्य, इनकी सबसे बड़ी विशेषता इस शिक्षा नीति में जिसका विचार किया गया है वो जीवन मूल्यों का चिंतन करना, उसकी चिंता करना और उसके संस्कार कैसे हो गए उसका नियोजन करना, ये इस शिक्षा नीति में प्रमुखता से इसकी विशेषता रही है. हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, लोकमान्य तिलक जी का नाम लेते हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर का नाम लेते हैं, बहुत से क्रांतिकारक, देशभक्त, इतिहास पुरुष, राष्ट्र पुरुष करके हम हमारे इतिहास को, गौरवशाली इतिहास में अनेक व्यक्तियों के नाम लेते हैं. पर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका जीवन, उनका चरित्र और उनका कार्य कर्तृत्व
ये हमारे देश के लिए और समाज के लिए हमें निश्चित रूप से प्रेरणादायी होता है, आदर्श होता है, और उसी के कारण हम बार बार उनका नाम लेते हैं। मुझे याद है, मैं जब 5वीं की कक्षा में पढ़ रहा था तो हमें पढ़ाते समय कहा, एक अच्छी कविता बताई गई थी कि थोर महात्म्य होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान वावे हाथ सापड़े बोध करा। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से जो प्रेरणा हमको मिलेगी, वो उनके गुण, कार्य और कर्तृत्व, इसके आधार पर जब हम उसका अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उसी के आधार पर मिलने वाला है। तो अब सबसे पहले आवश्यकता यही है कि जीवन मूल्य क्या क्या है। जीवन मूल्य कोई बाजार में मिलेंगे नहीं, कोई स्टॉक एक्सचेंज में इसका कोई रेटिंग नहीं है। आजकल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हम बहुत बार अस्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ इसलिए होते हैं कि यहाँ काम करने वाले लोगों का जो व्यवहार होता है उसे हम दुखी होते हैं। दुखी इसलिए होते हैं कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। उनका व्यवहार इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि उनको जिन जीवन मूल्यों को कटिबद्धता के साथ उन्होंने स्वीकार करना चाहिए, उन जीवन मूल्यों के संस्कार स्कूल से, कॉलेज से, घर से, परिवार से, गुरुजनों से, ये संस्कार जो है ये जब होंगे तब उनके व्यक्तित्व में उसका परिणाम दिखेगा। सच बोलना चाहिए, ये केवल कहने से नहीं होगा। तो जीवन में सच बोलना एक जीवन मूल्य है, परोपकार जीवन मूल्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी सामाजिक दायित्व के भाव से समाज के शोषित, पीड़ित, दलितों के प्रति संवेदनशीलता रखने वाला समाज निर्माण हो। और हमने देखा आज हमारे में से अनेक कार्यकर्ता हैं, मोहन मते जी बैठे यहाँ, उन्होंने इस कोविड के कार्यकाल में समाज के लिए, लोगों के लिए, दीन दलित अनाथों के लिए भोजन सत्र चालू किया। ये क्यों चालू किया? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में समाज संकट में है, गरीब लोग संकट में है, अनाथ है, और ऐसे लोगों को जो जीवन जी नहीं सकते, उनके लिए अपना कुछ कर्तव्य है, हमने उनके लिए कुछ करना चाहिए, यह भाव कहीं ना कहीं उनके लिए एक जीवन मूल्य के रूप में उनके व्यक्तित्व में निर्माण हुआ, इसलिए उन्होंने वह काम किया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे देश की पीढ़ियों में, भविष्य में जिसको हम निर्माण करना चाहते हैं, उसको हम किस प्रकार के जीवन मूल्यों को लेकर उनको बनाना चाहते हैं, उनको संस्कारित करना चाहते हैं, इसका संबंध शिक्षा क्षेत्र से है। और पहली बार वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इन जीवन मूल्यों का अंतर्भाव भी किया गया है। और इसलिए मैं और एक बात कहूँगा कि जीवन मूल्यों का ये विषय यहीं समाप्त नहीं होता। चाहे बिजनेस हो, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, या चाहे अच्छे पारिवारिक जीवन हो, चाहे अच्छी शिक्षा संस्था चलानी हो, चाहे अच्छा अस्पताल चलाना हो, या चाहे आपको कोई भी छोटी सी सामाजिक संगठना चलाना हो, सब जगह पर कुछ जीवन मूल्यों को लेकर ही हम लोग काम करते हैं। और हर जगह की संस्थाओं की विशेषता, उसकी अच्छाई, वो किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से उनका चाल चलन, व्यवहार और चरित्र है, इसके ऊपर ही उसका एनालिसिस होता है। हम इतना ज़रूर समझते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये हर आदमी समझता है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। पर अच्छाई को बढ़ाना है और बुराई को कम करना है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को निर्माण करते समय बचपन से ही, उसके बाल्यावस्था से ही उसके ऊपर अच्छे संस्कार होंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा नागरिक बनेगा। और वो नागरिक अच्छा है इसका अर्थ जीवन मूल्यों के आधार पर उसके जो संस्कार हुए उसके अनुरूप उसका कैसा कैसा व्यवहार है,
यही उसका मापदंड है। और हमारी शिक्षा शुरुआत में जो थी, जो अंग्रेजों ने शिक्षा का निर्माण किया, तब उन्होंने स्वाभाविक रूप से हमें हमारी जीवन मूल्यों का विचार किया नहीं और उनसे वो अपेक्षा भी नहीं थी। हमारी गलती थी कि हमने उनको जैसे दिया वैसे उसको स्वीकारा। जो मैकलो ने बनाया वही हमने स्वीकार किया। और इसलिए उन्होंने कहा था कि भारतीय व्यक्ति, हमारी ऐसी शिक्षा पद्धति है कि वो शरीर से भारतीय रहेगा और मन से, व्यवहार से वो अंग्रेज बनेगा। तो उन्होंने उसी आधार पर उसी प्रकार का फॉर्मूला देकर उन्होंने अपने उसी प्रकार से भारतीय शिक्षा पद्धति को उसकी शुरुआत की। अब भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत, इसके आधार पर हमारे जीवन मूल्यों के आधार पर हमारे भविष्य के समाज की निर्मिति होना, इसका आशय, इसका अध्ययन निश्चित रूप से किया गया है इस शिक्षा नीति में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आत्मनिर्भर बनना, यानी क्या बनना? आप मुझे बताइए, हर व्यक्ति आता है कि बस वो डिग्री ले रहा है और डिग्री और रोजगार का कोई संबंध नहीं है। पीएचडी मिले हुए लोग भी घूम रहे हैं कि भाई हमें जॉब नहीं है। तो आखिर रिसर्च करने वाले, पीएचडी लेने वाले, चिंतन करने वाले लोगों की भी आवश्यकता है, पर सभी लोग पीएचडी लेकर चिंतन करेंगे, इतनी संख्या बढ़ जाएगी आखिर, पर उसका उपयोग क्या होगा? मैं अभी आने वाले इस दिनों में, बहुत दिनों में, मैं काफ़ी यूनिवर्सिटी के लोगों से, काफ़ी अलग अलग IITs के साथ मुझे चर्चा करने का मौका मिला। तो परसों, एक 8-10 दिन पहले, मैं गुजरात के एक यूनिवर्सिटी में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, IIT में मैं बातचीत कर रहा था। तो मैंने स्वाभाविक रूप से 3-4 प्रश्न सहज जाते पूछे कि आपकी शिक्षण संस्था जिस जिले में है, उस जिले के आर्थिक स्थिति बदलने के लिए आपका क्या सहयोग है? उस जिले में किस प्रकार के रॉ मटेरियल अवेलेबल है? उस रॉ मटेरियल के आधार पर कौन से उद्योग हो सकते हैं? इसमें आपका कोई रिसर्च है क्या? आज हम यही अनुभव करते हैं कि हमारे विदर्भ में कोयला है, पर कोयले के आधार पर कोई हमारे पास अध्ययन नहीं है, कोई उसका किसी प्रकार का कॉलेज नहीं है, न कुछ नहीं है। हमारी मैग्नीज ओर ऑफ इंडिया हजारों करोड़ के प्रॉफिट कमा रही है, उसका पर देश में मैग्नीज इंपोर्ट होता है, मैग्नीज में वैल्यू एडिशन हो सकता है, उसका हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास फॉरेस्ट है, पर फॉरेस्ट के आधार पर हमारे पास कुछ नहीं है। कल मैं गढ़चिरौली जिले में बात कर रहा था, तो मैं वहाँ के पालक मंत्री जी को मैंने कहा कि मेरी इच्छा है, अभी गढ़चिरौली जिले में बड़े बड़े ब्रिजेस बन गए, रोड बन गए, और 2 साल में जिले के सब प्रश्न सुलझाए जाएंगे, मुझे नहीं लगता आप कोई समस्या है, पर गढ़चिरौली जिले में रोजगार कैसे मिलेगा? तो मैंने कहा कि भाई आप कम से कम 100 यूनिट ऐसे तैयार करो कि जो बांबू से अगरबत्ती तैयार करने वाली काड़िया तैयार करने के उद्योग 100 गढ़चिरौली जिले में शुरू हो जाए। गढ़चिरौली जिले में बायो एविएशन फ्यूल है, जो रतनजोत मोह साल करंज और टोली है, उसके बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हवाई जहाज चला सकते, सिद्ध हो गया। तो हमारा ये गढ़चिरौली बायो एविएशन फ्यूल का सेंटर क्यों नहीं बने? अब यूनिवर्सिटी हमने वहाँ खोली गढ़चिरौली में, पर मैं एक बार जब गया था वहाँ के दीक्षा पदवीदान समारंभ के लिए, तो मैं जब वो बिल्डिंग देखी, वहाँ का माहौल देखा, तो मैंने VC साहब को कहा कि साहब आपका चेंबर ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है इतना, तो आप ये सब इसको अच्छा बनाइए। तब सुधीर मुनगंटीवार जी को मैंने कहा था, ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर को कहा था कि भाई आप विदाउट मनी ये का डिज़ाइन करिए। उनने तैयारी दर्शाई कि ऐसी यूनिवर्सिटी बने कि वहाँ लोगों को लगे कि हम जाए, पढ़े लिखे, वहाँ बैठे, चर्चा करें, विचार करें। तो वहाँ के वनवासियों को, पिछड़े हुए लोगों को अपने पैरों पर खड़े होकर रोजगार देने की कोई विजन अगर वो गढ़चिरौली यूनिवर्सिटी नहीं देती, तो फिर वो यूनिवर्सिटी खोल के क्या उपयोग हुआ? तो शिक्षा का संबंध जीवन के साथ है, शिक्षा का संबंध ज्ञान के साथ है, और शिक्षा का संबंध आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन को व्यतीत करने के लिए स्वयं रोजगार निर्माण करके अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भी है। तो इसीलिए व्यवसायभिमुख तांत्रिक शिक्षण, उसके साथ स्किल डेवलपमेंट, इसको जोर इसमें दिया गया है। और अब मैं ये मानता हूँ कि अब इसकी कमी है, अब BCOM BA की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर उनको आज शायद नौकरियाँ नहीं है, पर कोई अच्छा शेफ है
तो उसको 25,000 30,000 40,000 महीने में नौकरी मिल सकती है। ये फॉर्चून फाउंडेशन में जब अनेक लड़कों को रोजगार देने की बात आई तो अनेक जिलों में, मुझे नहीं लगता था, पर अनिल जी ने इसके द्वारा अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। और कौन से हमारी जो यहाँ की इंडस्ट्री है उनको कैसे लोग चाहिए, वो तैयार हुए। अब हमारे यहाँ बोइंग और एयरबस, इसके 1100 1200 पार्ट्स नागपुर में तैयार होते हैं। यहाँ टाटा की टाल नाम की कंपनी है और वहाँ 2,000 लड़के काम करते हैं। और मैं एक बार वहाँ जब उद्घाटन के लिए गया था तो चंद्रशेखर बावनकुड़े और मैं था, एक एक सेक्शन में घूम रहे थे। तो मैं लड़कों को पूछा कौन से गांव से है, तो नागपुर जिले के मऊदा कामठी तहसील के गांवों से लड़के आए थे और वो अमेरिका में और फ्रांस में बनने वाले हवाई जहाज के पार्ट बना रहे थे। तो ये जीवन में आर्थिक दृष्टि से अगर हमें समृद्ध संपन्न बनना होगा तो हमें रिसोर्सेस का भी विचार करना होगा। आज देश में अगर हमारी इकोनॉमी को सुधारना होगा तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इम्पोर्ट को कम करना होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा तो क्वालिटी प्रोडक्शन करना होगा, क्वालिटी प्रोडक्शन करना होगा तो ट्रेनिंग स्किल्ड मैन पावर लगेगी। स्किल्ड मैन पावर आएगी आएगी नहीं तो मशीन कहाँ से चलाएंगे वो। आज ही मैंने सुबह हमारे टूल टेक्नोलॉजिकली जो टूल हमारा जो इसका सेंटर है, टेक्नोलॉजी सेंटर का, आज मैं राजस्थान में भिवाड़ी में उसका इनॉग्रेशन किया। और मैंने उनको कहा कि अब हमको देश के एक एक तालुका में, एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में टेक्निकल ऐसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए। और ये IIT इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक IIT में पड़ी है, बिल्डिंगें पड़ी हुई है, पुराने वेल्डिंग मशीन रखे हुए वहाँ, लेथ मशीन रखे हैं, दुनिया बदल गई। तो मैंने कहा कि वहाँ हमारे लोगों को जब से सॉफिस्टिकेटेड जो है, जो रोबोट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अनेक चीज़ें बनी है, मशीन बनी है, वो पूरी अच्छी अच्छी मशीन लाकर आप वहाँ स्किल्ड और ट्रेनिंग सेंटर बनाइए ताकि हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़े लिखे। और मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं समय के अनुसार ये व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षा, ये हमारे विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षण पूरा करने के बाद हमारे या नए पीढ़ी को मिलनी चाहिए। मैं एक विशेषता बताता हूँ, इस समय इस शिक्षा नीति में इसका अच्छा विचार किया गया है। जर्मनी ऐसा देश है कि जिसका टोटल वर्ल्ड के इसमें 3% थोड़ा जो दुनिया में एक्सपोर्ट होता है वो जर्मनी से 3% एक्सपोर्ट होता है। और छोटा देश है, कोई भी मशीनरी, हेवी मशीनरी चाहिए तो जर्मन से आती है। तो ये मुझे, मैंने जब वहाँ जर्मनी में गया और मैंने पूछा कि ये क्यों है आपके यहाँ, तो उन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ वन पर्सन स्पेशलाइज इन वन सब्जेक्ट। अगर एक 10वीं 12वीं की मिनिमम रक्षा शिक्षा लेने के बाद एक व्यक्ति स्कूटर मैकेनिक है तो 5 साल वो वही सीखता है। हमारे यहाँ वो बॉटनी, जुआलॉजी, मैथमेटिक्स लेके MSc होता है और रिजर्व बैंक में नोट सेक्शन में नोटा गिनने का काम करता है। तो मैं यही मानता हूँ कि एक प्रकार से इसका कोई संबंध नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में, आवाज़ चल रहा ना, आने वाले समय में हमें हमारे व्यवसाय को हमारे आर्थिक प्रगति और विकास की ओर जाने के लिए स्किल्ड इंजीनियरिंग मैन पावर हमको किस प्रकार के चाहिए उसको रखकर हमको हमारी स्वाभाविक रूप से हमारी दिशा निश्चित करनी होगी। और वो निश्चित करने के लिए हमें रोजगार जो है, व्यवसाय शिक्षा का व्यवसायीकरण, और व्यवसायीकरण करने से नौकरी मांगने वाले नहीं तो हम नौकरी देने वाले बनेंगे, ये भी भाव उसमें आना चाहिए। और वो ऐसे व्यक्ति आकर उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका उपयोग कर कर जब वो काम करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये हम छोटे छोटे लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैं मुझे बहुत खुशी है कि MSME में एक 3-4 महीने कोविड शुरू हो गया तो हमारे लिए PPE किट हमें यहाँ नहीं मिल रही थी, और विकास महात्मे मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि कैसे करना है ये, हॉस्पिटल में ऐसी स्थिति है। तो हमने एक से डोनेशन लिया और PPE किट बनाई यही नागपुर में, और वो हमने करीब 20-1 हज़ार PPE किट फुकट में बांटी। फिर हम मुझे ध्यान में आया कि इसमें इतना कठिन क्या, हमारे यहाँ क्यों नहीं बनता। तो यहाँ एक ऑरेंज सिटी क्लस्टर है, टेक्सटाइल क्लस्टर,
वो लड़के वहाँ, यहाँ हमारे यहाँ 1,200 महिला पुरुष काम करते हैं उपलवाड़ी में, तो वो यहाँ से पीटर इंग्लैंड के लिए शर्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड है दुनिया का, इतनी अच्छी क्वालिटी बनाते हैं। तो मैंने उनको बुला कर कहा ये तुम शर्ट बनाते हो अच्छी बात है, पर तुम ये पीपी किट नहीं बना सकते? बोले बना सकते हैं, बनाओ। और मैंने उनको, उन्होंने बनाया, और आज हमारे देश में ऐसा है कि हम पीपी किट इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एक्सपोर्ट करने वाले बने, इतनी पीपी किट बनी। 2 दिन पहले मुझे बहुत खुशी हुई कि दिल्ली में मैंने एक वेंटिलेटर को लॉन्च किया। तो आपको मालूम है स्पाइस जेट करके कंपनी है हवाई जहाज़ की, उसके मालिक अजय सिंह है, मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने कहा कि हवाई जहाज़ बंद पड़े कोविड के कारण, तो सब इंजीनियर खाली पड़े थे। तो मैंने सबको बुलाकर कहा कि मैं अब तनख्वाह कैसे देना ये भी समस्या, आप कुछ रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट डिजाइनिंग करके कुछ काम करिए। इंजीनियर काम को लगे और उन्होंने बोले तैयार किया और ये वेंटिलेटर बनाया। उन्होंने कहा इसकी कीमत 55,000 रुपये है, और वो वेंटिलेटर से मैंने ऑक्सीजन लिया और उसको लॉन्च भी किया। उनको 1,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर केरल के सरकार ने दिया, 1 इंपोर्ट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि 3-4 लाख 5 लाख के रुपए कम होगी। और हमारे यहाँ 55,000 में वेंटिलेटर बनाया छोटा सा। अरुणाचल के आईएएस ऑफिसर हमारी, मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी थी परसों, वो वहाँ के आरोग्य विभाग के सचिव है, उसने कहा कि अरुणाचल में हमारे पास एक भी वेंटिलेटर नहीं है। तो मैंने अब कहा कि अब ये वेंटिलेटर 55,000 रुपये के, ये पूरे दुनिया में, देश में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, गरीब देशों में जाएंगे। कितना बड़ा काम उन्होंने, इंजीनियर्स ने किया, जो हवाई जहाज को मेंटेन करने का काम करते थे, उनको 4-5 महीने का टाइम मिला तो अपने वर्कशॉप में बैठकर उन्होंने वेंटिलेटर बनाया। और आज वेंटिलेटर हमारे देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसको भारत सरकार ने अप्रूवल दिए सब। तो मेरा आपको कहने का उद्देश्य यही है कि व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण में कोई जाना चाहते हैं तो वहाँ करें। कोई अगर अगर इंटीरियर फर्नीचर का काम है, अब हमारे यहाँ देखिए कि हैदराबाद में ये आइकिया करके कंपनी ने अपने मॉल ने फर्नीचर मॉल का इनॉग्रेशन किया, तो 3 दिन लोग अंदर घुसे थे, इतनी गर्दी, इतना रश था। क्या हमारे बाम्बू से गढ़चिरौली में आइकिया जैसी कंपनी यहाँ, हमारे यहाँ चाइना से जो फ्रेम, वो हम ये नहीं बना सकते? निश्चित बना सकते हैं। पर हमारे यहाँ आज प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के डिजाइनिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ, क्या हम प्रोडक्ट डिजाइन नहीं कर सकते? मैं एक दिन यहाँ गया था डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, तो मेरा बिल 25,000 रुपये हुआ। तो एक बार दो बार गया तो हर बार 20-25 हज़ार। तो मैंने डॉक्टर को पूछा, बिल तो मैं दे रहा हूँ, मुझे कोई कंसेशन नहीं चाहिए, पर आप इतना बिल क्यों होता है इसका? तो उनने कहा कि सर मैंने सब जर्मनी से मशीनरी लाई है, सॉफिस्टिकेटेड।
तो बोला मशीन तो सिंपल दिखती है। तो मैंने VRC के प्रिंसिपल जो है उनको भी कहा, पटोड़े जी और विश्राम दामदार को, और डॉक्टर भी होशियार थे, उनको कहा आप बैठो और ये मशीन इंडिया बनाओ VRC में। अभी उन्होंने लगभग वो मशीनें काफ़ी का कुछ काम कर लिया है, उससे अच्छी बनी है। जो जर्मनी से करोड़ों रुपए खर्चा करके लाते थे वो लाए, अगर मुझे बताइए देश में कम से कम 5 लाख डेंटिस्ट की आज आवश्यकता है, डॉक्टर की, जो छोटे छोटे जगह लोगों के डेंटल के प्रॉब्लम को काम करें। और इसकी पूरी मशीन अगर हमारे VRC से बनाकर सस्ते में, वो अगर 2.5 करोड़ की है तो ये इनकी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में आएगी। और ये पूरी मशीन गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी में छोटे छोटे डॉक्टर गजाएंगे तो वहाँ तो डेंटिस्ट ही नहीं है कोई। तो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारी शिक्षा, और शिक्षा भी ऐसी कि जिसमें अलग अलग प्रकार में वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने वाली, एक तरफ उनकी ज़रूरत पूरे करने वाली और दूसरी उसको आर्थिक दृष्टि से उसको भी स्वयं पूर्ण आत्मनिर्भर करने वाली, ये दोनों की रिक्वायरमेंट है। और ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़े प्रमाण पर स्थित्यंतर हो रहा है। और एक आपको पता है कि इस समय जिस देश के साथ दुनिया के लोग डील करते थे, चाइना में टोटल वर्ल्ड का 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में था। अब लोगों की, अनेक दुनिया के लोगों की भावना बदल रही है, वो नए ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया ये बेस्ट डेस्टिनी है। और इसलिए अलग अलग क्षेत्र में हमें हुनर को, स्किल्ड को, व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षा को प्राधान्य देना होगा। और यही बात इस पॉलिसी में आई है कि तुम एक बार, सब लोग BCOM कर रहे करके तुम भी BCOM कर रहे, सब लोग BA कर रहे तो ये भी BA कर रहा। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति ऐसी हुई कि बड़े प्रमाण पर एक के पीछे एक खुलने लगे। अब ऐसी हो गई कि कुछ कॉलेज में एडमिशन नहीं है, अब कॉलेज बंद होने की शुरुआत हो गई। अब मेडिकल कॉलेज में ऐसी स्थिति है कि आज हमारे देश में कम से कम 500 मेडिकल कॉलेजेस तुरंत खोले, खोलकर भी हमारे पास मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज की कमी है। तो क्यों नहीं हम तालुका लेवल पर जो मेडिकल कॉलेज खोलेगा उसको कहेंगे भाई जगह फुकट देते आप, वहाँ पड़ी हुई है जगह, और उसको कहेंगे कि जितनी मशीनरी तू लेंगे उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, नोशनल नुकसान है, वहाँ कौन खोलने वाला है। और वहाँ हॉस्पिटल बड़े बड़े बन जाएंगे 500 बेड के, तो क्यों लोग नागपुर आएंगे। मैं जब MLC था उस समय की बात है कि हार्ट का ऑपरेशन मुंबई में होता था, बाईपास सर्जरी का, तब कोई हमारे यहाँ नागपुर से लोग मुंबई आते थे और मेरे रूम पर बेचारे उनके परिवार लोग सोते थे और मुंबई में ऑपरेशन होता था। आज नागपुर में बाईपास सर्जरी करने वाले कितने अस्पताल खुल गए, नागपुर में नहीं, अब तो उमरेड़ में और गढ़चिरौली में भी बाईपास होने लगी। तो मेरा यही कहना है कि जो हमारी अलग अलग प्रकार की शिक्षा है जो ज्ञान भी देगी और हमारे पैरों पर हमको खड़ा करने की और समाज की सेवा भी होगी और इकोनॉमी के लिए भी उपयोगी होगी, इसका समन्वय ये बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए स्किल्ड प्रोफेशनल एजुकेशन जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, मैनेजमेंट ये सब आए, लॉ, ये भी आवश्यक है। फिर उसके आधार पर नीचे में जैसे स्कूटर मैकेनिक से लेकर मोबाइल को दुरुस्त करने वाले से लेकर, या एक आधी अच्छे चाइनीज, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, अलग अलग प्रकार के शेफ भी आवश्यक है। हॉस्पिटलिटी का सेक्टर कितना बड़ा है, उसमें रोजगार है। हमारे यहाँ अभी 20% ही जंगल हमने ताड़ोबा का खोला है, अब लोग आने लगे तो अब उसमें हमने रिसॉर्ट्स बना है, गाड़ियाँ है, उसमें लोग बैठते हैं, गाइड करते, वर्ल्ड से टूरिस्ट आने लगे। अब हमारे यहाँ हम अगर सही में ताड़ोबा में पूरी कैपेसिटी का उपयोग करेंगे तो कम से कम 50 से 60 रिसॉर्ट होटल्स तुरंत खोलने की आवश्यकता है। फिर इसके लिए कम से कम 5,000 टैक्सी रोज नागपुर से ताड़ोबा जाने के लिए लगेगी। ताड़ोबा में जो टाइगर देखने के लिए जो गाड़ियाँ होती है विशेष रूप की, तो मैंने सुधीर मुनगंटी जो कहा था कि वो इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करो ताकि आवाज़ ना आए, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ना हो, तो इलेक्ट्रिक पे तैयार करें। और इलेक्ट्रिक भी उस एक एक बस में 3-3 लोग बैठ के, 9 लोग एक समय बैठ के ताड़ोबा देखेंगे तो गाइड लगेगा। तो ताड़ोबा में रोज़ अगर काम करेंगे तो कम से कम 600 गाइड लगेंगे।
वो गाइड अंग्रेजी बोलने वाले अच्छे लड़के होंगे, उनको गाइड प्रशिक्षण कोई चंद्रपुर भंडारा गढ़चिरौली में मिलेगा तो वो गाइड बन के काम करेंगे, रेस्टोरेंट में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का संबंध ज्ञान के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति में स्वयं रोजगार के साथ भी जुड़ा हुआ है। और इसलिए अच्छा व्यक्ति भी बनाना है, संस्कारित व्यक्ति भी बनाना है, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति में देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए एक एसेट होगा ऐसा व्यक्ति भी निर्माण करना है। और उस व्यक्ति को उसकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको स्वावलंबी बनाना है, स्वयंपूर्ण बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और नौकरी और रोजगार दोनों में फर्क है, और इसलिए नौकरी मर्यादा है, रोजगार की मर्यादा नहीं है। और इसलिए कहीं ना कहीं हमें नई नई बातों को सोचना होगा। वेस्ट टू वेल्थ, नॉलेज टू वेल्थ, ये टेक्नोलॉजी है, और इसलिए अनेक प्रकार की कल्पनाएं जो है अलग अलग जगह पर करके हम लोग इस देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। और ये करने के लिए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और नॉलेज जो है ये पावर है जो शिक्षा से आपको मिलेगी, अनुभव से मिलेगी, प्रशिक्षण से मिलेगी, व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षा से मिलेगी, प्रोफेशनल शिक्षा से मिलेगी, या स्किल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से मिलेगी। और उसी के आधार पर फिर आपके स्वयं रोजगार के साथ आप समाज और देश के लिए भी अच्छा काम कर सकोगे। तो समाज की सभी प्रकार की आवश्यकता है, और इस सभी प्रकार की आवश्यकता में हम एक दूसरे को पूरक है। किसान अनाज लगा तैयार करता है इसलिए हमको गेहूँ चावल मिलता है, और इसलिए गेहूँ चावल जो खरीदता है वो कहीं ना कहीं दो पैसे अगर मिलेंगे तो किसान के जेब में जाएंगे। हमको सब प्रकार का अभी अलग अलग चीज़ें, कोई आपको तेल लगता है खाने का, अब हमारे देश में 90,000 करोड़ रुपए का तेल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, पर हमारे देश में तेल सिर्फ तैयार नहीं हो रहा है, अब गेहूँ और चावल सरप्लस हो गए। गढ़चिरौली जिले में 28 लाख टन हमने पैड़ी खरीद लिए, रखने के लिए जगह नहीं है देश में, 3 साल रहेंगे इतना चावल आ गया, पर हमारे पास ये नहीं है, तेल नहीं है। तो हमें क्रॉप पैटर्न बदलना होगा, और अब राइस से राइस ब्रांड ऑयल निकलता है। तो मेरा जो आपसे सवाल है कि अब राइस ब्रांड ऑयल बड़े प्रमाण पर तैयार करना होगा, और अब राइस से हम इथेनॉल बना रहे हैं, और इथेनॉल से पूरा हमारा जो पेट्रोल डीजल का भाव तो कम ही होंगे, पर उल्टा हमारा इम्पोर्ट कम होगा और पोल्यूशन कम होगा, और गाँव में गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा सब चावल के क्षेत्र में इसकी इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी एजुकेशनल, विशेष रूप से इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हमारी IITs, हमारी LIT जैसी संस्थाएं, हमारे ITIs, कभी गढ़चिरौली के ITI को यह सोचना पड़ेगा कि गढ़चिरौली में कौन से उद्योगों के लिए कैसे लड़के तैयार करने हैं। अगर बाम्बू के आधार पर फर्नीचर बनाना है और वो बाम्बू गढ़चिरौली में अवेलेबल है, पर वहाँ कोई बाम्बू के फर्नीचर के डिज़ाइनिंग बनाने का कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई सेंटर नहीं, तो कैसे होगा। अभी बाम्बू का सेंटर गढ़चिरौली में खुला यूनिवर्सिटी में। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर हमारी शिक्षा से संस्कारित व्यक्ति तैयार करना, शिक्षा के आधार पर स्वयं रोजगार निर्माण करने की व्यवस्था उसके लिए करने के लिए उसको उस प्रकार का स्किल हुनर सिखाना या व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करना, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार उसकी योजना बनाकर उसको निर्माण करने में एक सिस्टम को क्रिएट करना, और इसमें से लड़के अपने विदेशों में जाकर भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे विदर्भ के, नागपुर के लड़के जब मैं दुनिया में घूमता हूँ तो मिलते हैं, कोने कोने में मिलते हैं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं कनाडा में गया था तो कनाडा के अंदर जंगलों में वैनकोर के पास मैं जब होटल में गया तो वहाँ का शेफ, वेटर्स मुझे भारतीय मिले, उनको रोजगार है, डॉलर में अच्छा कमाई कर रहे हैं। तो इन सब बातों को नए परिप्रेक्ष्य में मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति और जीवन पद्धति, इसको भी विकसित करना, फिर शिक्षा के साथ हुनर को देकर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने के लिए अपने पैरों पर उसके खड़ा करने की भी विजन उसको प्राप्त करके देना, और देश की प्रगति और विकास में ये जो नए लोग बनेंगे, ये पढ़कर आएंगे, इनका काफ़ी योगदान होगा, जिससे देश की प्रगति और विकास भी होगा।
इन सब बातों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में अध्ययन चिंतन करने के बाद इसका ड्राफ्ट बनाया गया है, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ये आने वाले समय में, आने के जो 100 साल होंगे, उस 100 साल में हमारे देश को एक नई दिशा देने वाला ये ड्राफ्ट है। मैं हमारे जो शिक्षा मंत्री है निशंक, जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो वो मेरे पास आए ये ड्राफ्ट डिक्लेयर करने के पहले, और मुझे कहे कि भाई आप इसके प्रेजेंटेशन के लिए और आप हमें हमारे इसमें सुझाव दीजिए। तो जब मैंने कहा इतना तो पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होगा और मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर आप मुझे इसका एक 6-8-10 पेज के नोट दीजिए कि इसमें क्या क्या है। और फिर मैंने उसके आधार पर जो कहा, तो काफ़ी बातें MSME के लिए हमारे सेंटर्स, टेक्नोलॉजी सेंटर्स और जो हम चाहते हैं उस प्रकार का प्रतिबिंब उसमें काफ़ी आया था। तो अब ये सबके सुझाव के साथ, सबके चिंतन के साथ ये ड्राफ्ट देश में आया हुआ है। ये भारत को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाने वाला, भारत का इतिहास, संस्कृति, विरासत के आधार पर संस्कारित करके नए भविष्य के पीढ़ी के चरित्र निर्माण करने वाला, और आत्मनिर्भर भारत, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त, इस प्रकार का व्यक्ति तैयार करने के लिए उपयोगी होने वाला जो शिक्षा होगी वो इसमें है। जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर हमें विचार करना होगा, और हर समय हम यही कहते हैं हमारे संस्कृति में कि विश्व का कल्याण हो। हम विस्तारवादी नहीं हैं, हमारे आजू बाजू में छोटे छोटे देश हैं, हमने कभी उनकी 1 फीट ज़मीन लेने की कोशिश नहीं की, हमने इतिहास, संस्कृति और उनको अपना कोई थोपने की कभी कोशिश नहीं की, हमने उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रखकर उनके सहयोगी के रूप में, एक परिवार के रूप में उनके तरफ देखा है। हमने किसी को गिरंकृत करने की कोशिश नहीं की, हम विस्तारवादी नहीं है। हम क्या कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, बाद में हमारा कल्याण हो, पहले बोलते सबका कल्याण हो, मानवता का कल्याण, मानव समाज का कल्याण हो, यानी मतलब मेरे और मेरे बेटे का कल्याण करें, ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं विश्व का कल्याण। तो हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत में मिली हुई विचारधारा, संस्कार, मूल्य, जीवन मूल्य, जो हमारी विचार कटिबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत आवश्यक है। नागो गणार जी को मैं प्रार्थना करूँगा कि मैं बहुत बार उनको कहता था कि शिक्षक परिषद हमारी केवल शिक्षकों का वेतन, पेंशन, प्रमोशन, इसका विचार करने वाली संगठन है, ऐसा मत करिए। शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षण संस्था और सरकार मिलकर एक परिवार है, और शिक्षा से हम भविष्य के पीढ़ियों को तैयार कर रहे हैं, और उस पीढ़ियों को तैयार करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर शिक्षक है। उसकी आर्थिक जिम्मेदारी जो है उसके बिल्कुल उसके रक्षा होनी चाहिए, पर 99% केवल उनके वेतन, पेंशन, वृद्धि, यहाँ तक संस्था सीमित रहेगी तो शिक्षा का विचार कौन करेगा? आदर्श शिक्षक निर्माण करने का विचार कौन करेगा? अगर शिक्षक ही अच्छे नहीं होंगे तो विद्यार्थी कैसे अच्छे बनेंगे? तो हमारी सभी संस्थाओं को जहाँ जहाँ उनका रोल है वहाँ वहाँ उनको इस परिवर्तन और पुनर्निर्माण के परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा और काम करना होगा, तो ही हम लोग देश के लिए निश्चित रूप से जो हमें अपेक्षित है उस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। और इसलिए इस मंथन से निश्चित रूप से अच्छी दिशा, जो स्टेक होल्डर्स है इसके, एक तरफ शिक्षा संस्थाएँ हैं, शिक्षक है, विद्यार्थी है और पालक भी है, एक समाज है और देश की आवश्यकता है, तो सभी स्टेक होल्डर अपने अपने जगह पर अच्छा काम करेंगे तो ये ओवरऑल देश के लिए और समाज के लिए अच्छी उपलब्धि होगी। और इसी का एक चिंतन इस नीति में हुआ है, और वो मंथन करने के लिए और लोगों की क्लैरिटी आए इसके लिए, इसके ऊपर ठीक से क्रियान्वयन हो, केवल ये थेरी करके ड्राफ्ट बन के ना रहे। तो ये आज हमारे देश में कोठारी कमीशन से लेकर कितने कमीशन बने, कितने ड्राफ्ट रिपोर्ट बने, कितने रिपोर्ट आने के बाद वे पर परिवर्तन नहीं हो पाया। ड्राफ्ट अच्छा होने के बाद से केवल काम नहीं होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही उतना होकर और उसके परिणाम ही उतने अच्छे निकले,
तब कहीं हम मानेंगे कि हमें इसका उपयोग हुआ। आखिरी में एक ही मुद्दा कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अनिल जी, ये जो पिछड़े हुआ क्षेत्र है, आपने आज नागपुर में ये शिक्षण मंथन किया, अच्छा हुआ, पर मैं लक्ष्मण राव मानकर ट्रस्ट की ओर से, अभी हम 1100 एकल विद्यालय चलाते हैं और हमारे 900 टीचर हैं, और आज मुझे करीब 21,000 विद्यार्थी हमारे हो गए। हम उनको शिक्षण नहीं सिखाते हैं, हम नखून साफ करने के लिए सिखाते हैं, साबुन लगाकर स्नान करने के लिए सिखाते हैं। अब हम उनको कुछ हुनर सिखाना चाहते हैं, इटापल्ली, सिरोंचा, एरी, यहाँ के लड़के जो है वहाँ काम कर रहे बेचारे। अब उनकी छोटी छोटी बातें, और परसों मैंने एक आह्वान किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े प्रमाण पर मैंने कहा पुराने जूते, चप्पल और कपड़े दीजिए, और वो मैंने पूरी तरह से मेड़घाट और गढ़चिरौली में परिसर में गरीब आदिवासियों के लिए इस कोविड के समय भेजे। आपको देखो कितनी अच्छी बात है, हमारा सुनील देशपांडे मेड़घाट में काम करता है, तो मेरे घर पर मैं इतने में, अभी हमारे यहाँ दो बच्चों की शादी हुई, मेरे लड़की की शादी हुई, खूब साड़ियाँ मिली, कपड़े मिले, अब सब हम पहन भी नहीं पाते, इतने कपड़े हैं। तो कांचन ने उसमें से जो प्योर सिल्क की अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, और मेरे दोनों बहू ने करीब 200-200 साड़ियों तैयार करके उस सुनील को अच्छी तरह साफ सफाई करके उसको सुनील देशपांडे को दी, मेड़घाट में भेजी। अब मेड़घाट में भेजने के बाद वो साड़ियाँ इतनी अच्छी थी कि वो 12,000-15,000 रुपये की एक एक साड़ी थी, और ये इन्होंने 2-4-5 बार लिया, क्योंकि कितनी साड़ियाँ पहनेंगे तुम दिन में, एक साड़ी एक बार, तो वो साड़ियाँ तो इतनी यूज़ नहीं हुई, अब वो नई जैसी लगती थी। अब उन्होंने, एक सुनील ने ऐसा मुझे बताया कि मैंने वहाँ जो शादी होती थी मेड़घाट में आदिवासी क्या, तो लड़की के लिए एक दी और लड़की की माँ के लिए दी, ऐसी दो साड़ियाँ एक समय दी, तो उसकी इतनी क्रेज़ हुई है कि जब कोई भी शादी होती है तो मुझे बता देते कि भैया साड़ी शादी हो रही है, वो साड़ी चाहिए, साड़ी आप दीजिए। और वहाँ के लोग इतने हो जो, क्योंकि इतनी कॉस्टली साड़ी है, और वो साड़ी पहनती है और इतना उनको आनंद आता है। तो सुनील ने मुझे स्पेशल इस बात को बताया कि देखो उनको कितनी खुशी हुई। अब मेरे घर पर जो चीज़ थी उसका मूल्य और महत्व कम था, क्योंकि एक 10 चीज़ें लगती तो 100 थी उसमें, तो ये हमने उनको देने से उनका जो आनंद मिला है, तो जो साड़ी किसी ने दी और हमने खरीदी की, इससे जो आनंद था, उससे ज़्यादा आनंद इस बात का है कि वो एक एक शादी में जो पहनकर वो जो खुशी उस गरीबों के मन में आती है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनके बारे में सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके लिए काम करने की प्रवृत्ति, स्वभाव, इसको भी हमको प्रेरित करना पड़ा। ये भी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के साथ इसका संबंध है। और अपने जीवन में हम यही करेंगे कि मुझे टिकट दो, फिर मेरे पत्नी को टिकट दो, फिर मेरे बेटे को टिकट दो, फिर मेरे ड्राइवर को टिकट दो, सब अपने अपने घर में भरो सब, तो ये ऐसा ही इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। और हम लोग इसी प्रकार से, कोई हमारे व्यवहार में अगर कोई बदल नहीं दिखेगा, हम भी उसी प्रकार से चलेंगे, तो फिर कैसे समाज के लिए परिणाम निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कन्विक्शन है राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाले स्टेक होल्डर्स, शिक्षक, प्राध्यापक, उनका, इसको बढ़ाने में भी हमें एक कन्विक्शन के आधार पर गुणात्मक बदल करने की कोशिश करनी होगी। और ये कोशिश करने में जो ऐसे फाउंडेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनको काम करना होगा। अभी मैं गढ़चिरौली में एकल विद्यालय का काम मानकर जी के बाद उनके इसमें हमने शुरू किया था, मैं उसको रिलीजियस करता हूँ। अब मुझे कोई गढ़चिरौली से तो चुनाव लड़ना नहीं है, न मेरा कोई संबंध है, पर फिर भी मुझे लगता है कि गढ़चिरौली जिले का विद्यार्थी परिषद में मैं जब काम करता था, तब मेरा घर भारत देश करके प्रोजेक्ट था, माय होम इज इंडिया, तब दत्ता जी के घर पर अरुणाचल से और वहाँ से आए हुए लड़के रहते थे, मुंबई में सुधीर फड़के के घर पर रहते थे, कि भारत देश सबका है। तो ये भाव उस समय विद्यार्थी परिषद में जो हमें सिखाया, जो संस्कार हुए, जो देखने के लिए मिला, उसकी प्रेरणा के रूप में व्यक्तित्व तैयार हुआ, इसलिए आज लगता है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए।
अगर दत्ता जी उस समय अपने घर में बेटे पढ़ाने के लिए नहीं रखते हैं तो शायद आज मैं वो काम करने के लिए नहीं प्रेरित होता। तो हमारे लिए इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जो बातें बताई गई है वो जो कंसर्निंग स्टेक होल्डर्स है उसका थेरोटिकल प्लानिंग चर्चा इम्पोर्टेंट है, पर उसका व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन विथ ऑल स्टेक होल्डर्स विथ ए इंटीग्रेटेड अप्रोच दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड। और उसके लिए आप ग्रेजुएट से चुनकर आए हैं तो शिक्षा क्षेत्र में यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल इनके बीच में शिक्षकों को इस प्रकार के भाव को जगाने के लिए वो कैसे शिक्षक तैयार हो ये पहला प्रयास, और तैयार किए हुए शिक्षक उन लड़कों को तैयार करें और ऐसे कुछ लोग ढूंढे। अनायसे हमारे यहाँ एक विवेक गैसासी करके अभी नागपुर में ही रहते हैं तो वो काफ़ी अच्छा चिंतन करते हैं, विचार है उनके हैं, तो ऐसे और कुछ लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, अच्छे पत्रकार में से कोई। अभी काफ़ी लोग रिटायर्ड हुए, सुधीर पाठक है, लक्ष्मणराव जोशी है, तो जो लोग इस प्रकार में जिन्होंने जीवन में एक विचारधारा के साथ काम किया ऐसे 50-60 लोग, इन नए जनरेशन को अगर इस बात को कहने में और उनको मार्गदर्शन करने में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति के पीछे जो भावना है, जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण की है, वो पूरी होगी। इसका थियोरेटिकल पार्ट जितना महत्वपूर्ण है उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये केवल भारत सरकार की और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का काम नहीं है, तो शिक्षा क्षेत्र के जितने स्टेक होल्डर्स है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, प्राध्यापक है, शिक्षक है, शिक्षण संस्थाएं है, विद्यार्थी है, इन सबको इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करनी होगी और एक स्वर में इस दिशा में सबको जाना होगा, क्योंकि काम कठिन है, आसान नहीं है, तब इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन होगा, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए इस मंथन के साथ निश्चित रूप से उस दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपने इसका आयोजन किया, इसलिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से इसके परिणाम आने वाले समय में हमारे देश में निकलेंगे और देश आगे जाएगा, आत्मनिर्भर बनेगा, सुखी बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, सभी दृष्टि से ये सपना राष्ट्रवादी विचारों के रूप में हम सब हमारी जीवन निष्ठा मानकर काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी इसका एक समाधान मिलेगा। मीडिया बदल रही है, अब हम एक समय युवा विद्यार्थी थे, अब हम भी सीनियर सिटीजन होने लगे, तो ये तो होना ही है, समय के साथ कोई टिकने वाला नहीं है, परिस्थितियाँ बदलती रहेगी, व्यक्ति आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर ये समाज जो है वो उसी दिशा से आगे जाता रहेगा। इसी में ही भारतीय समाज की, भारतीय इतिहास की और हमारे राष्ट्रवाद की जीत है। तो बहुत 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 मेरी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं, और निश्चित रूप से ये कार्य अच्छा होगा और आपने इसमें मंथन किया, इसमें और अच्छे तरीके से इसको केवल एक सेमिनार के रूप में रखकर मत छोड़िए, इसको आगे जाकर टीचर्स के लिए अलग वर्कशॉप, शिक्षण संस्थाओं के लिए अलग वर्कशॉप, फिर शिक्षण संस्थाओं के साथ भी उसका वर्गीकरण करके अलग अलग प्रकार की संस्थाओं के लिए, जो कोई स्किल में है, कोई ट्रेनिंग में है, उनके लिए अलग बात, और यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी में भी शिक्षण मंच काम करता है, वो इसके लिए कुछ करे, इन सबको भी मोटिवेट करने की भी जिम्मेदारी आप लो और इस दिशा में प्रयास करो, यही मेरा आपसे अनुरोध है, मैं जरूर इसमें सहयोग करूंगा। आपको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, धन्यवाद।